Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइज वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कौन सा चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है। लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। मेजर अरकाना से देखते हैं। डेविल और डेथ, डेविल का अंत, लवर्स। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। एम्प्रेस, हैंग्ड मैन, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल कार्ड। सबसे बड़ा बदलाव जो आपकी लाइफ में होने वाला है गाइस, सबसे पहले तो आप नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक साइकिल थी, जो भी कर्मा में आप स्टक थे, वहां से आप फ्री हो रहे हो। बिकॉज एम्प्रेस और डेविल कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखी है और बहुत ज्यादा नेगेटिव आप रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत सारी नेगेटिव साइकिल्स निकाली हैं, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव रहे हो, बहुत ज्यादा आप नेगेटिव लोगों के साथ रहे हो। सकता है कि आपको हमेशा ऐसे ही लोग मिले हों जो आपको परेशान करते हैं। बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड के साथ डेविल आया है, तो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ही ज्यादा प्योर सोल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा डिवाइन हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हो। लेकिन क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, तो आपके ऊपर बचपन से ही मुझे लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज का जो कहते ना कि एक इम्पैक्ट हमेशा रहा है, और इन्होंने आपको अफेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन फाइनली यू नो हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो फाइनली मुझे लगता है कि आप अपने कर्मा को पूरी तरीके से रिलीज कर दोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा बदलाव है वहां पर मुझे लगता है कि आप कर्मा को पूरी तरीके से रिलीज कर दोगे। ये वो प्योर सोल है जो मतलब एक प्योरेस्ट फॉर्म में आ रही है, पूरी तरीके से अपने डिवाइन फॉर्म में आ रही है और कर्मा को पूरी तरीके से रिलीज कर दिए। डेविल का अंत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आप अपने पूरे बेस्ट वर्जन में निकल कर आ रहे हो, अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आप पूरी तरीके से फ्री हो। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव लोग नहीं है, कोई कार्मिक लोग नहीं है जो आपको परेशान करें, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर यू नो अगर आप बहुत ज्यादा स्टक थे सिचुएशन में, बहुत ज्यादा हैंग सिचुएशंस आपने फेस की हैं लाइफ में, कई कई बार आप रुक गए हो और आपको समझ में नहीं आया है कि अब क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, आपको कभी कुछ पता नहीं रहा कि अब क्या करना है नेक्स्ट, कहाँ बढ़ना है आगे। तो ऐसी सारी सिचुएशंस जो भी आपकी लाइफ में थी उनका भी अंत हो रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली आप हैंग सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर आ रहे हो। एक तो आप नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, दूसरा हैंग सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। ठीक है, जितनी भी ऐसी सिचुएशंस थी जिन्होंने अभी तक आपको स्टक कर रखा था, जिन्होंने अभी तक आपको बहुत ज्यादा पेन दिया हुआ था और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, चाहे करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ही कोई कर्मा था या फिर आपकी ही कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे, तो जो आपको बार बार उलझाए हुए थे और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपको ग्रोथ नहीं करने दे रहे थे बेसिकली। तो ऐसी सारी चीजों का अंत होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑल्सो लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यहाँ पर स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है गाइस कि आपके कनेक्शन में, ठीक है, आपके लव लाइफ में मुझे स्ट्रांगली गुड लक आते हुए नजर आ रहा है।
ठीक है, जो भी लोग हैं अपनी लव लाइफ में सफर कर रहे हैं, चाहे एक्स पार्टनर के साथ चाहे न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मैं नहीं बोल रही कि कौन सा पार्टनर, मैं सिर्फ ये बोल रही जो आपका डिवाइन पार्टनर है उसके साथ आपका यूनियन है यहाँ पर, ठीक है, और गुड लक आपके फेवर में आ रहा है, ये आपकी लाइफ का नेक्स्ट बड़ा बदलाव है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, शून्य की एनर्जी, आप दोबारा शून्य से शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, आप शून्य से शुरू कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है डियर, आप लोगों के लिए आपकी लाइफ का बड़ा बदलाव। सो सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आई वो है कि कर्मा का अंत, ठीक है, पूरी तरीके से कार्मिक्स को आप रिलीज कर रहे हो। और बड़ा बदलाव क्या है आपकी लाइफ का? कौन हो कॉपिया? वाव, नंबर 11 अगेन है यहां पर, केयरिंग कनेक्शन, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, पेशेंस, यिन यांग, मास्टर नंबर 22, एंड मैजिशियन एंड द मिरर, स्ट्रेंथ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू वैल्यू, वाव, एंजल ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पर स्ट्रांगली क्या नजर आया है? देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावर में आ रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी थी, सो मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग हैं ना जो वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आएंगे, ठीक है। एक एम्प्रेस कैसी होती है? एक एम्प्रेस वो जो पूरे एम्पायर को क्रिएट भी खुद करती है और चलाती भी खुद है अपनी इच्छा अनुसार, राइट। तो एक यू नो एक एम्प्रेस जो अपने ही एम्पायर की महारानी, राइट। सो ये एनर्जी आप लोगों की लग रही है मुझे। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप पहले की तरह ना इमोशनली भी आप अपसेट नहीं रहोगे कभी भी, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली अपसेट रहे हो, या फिर इमोशनली आपने हमेशा चाहा है कि लोग आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आप खुद अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, आप हमेशा ही लोगों के ऊपर डिपेंड रहे हो खुशियों के लिए। तो यहां पर भी आप मुझे स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हो, यहां भी मुझे आप बहुत स्ट्रांग बनते हुए नजर आ रहे हो। बेसिकली स्ट्रांग बनना लाइफ का सबसे बड़ा लेसन होता है, जो अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीता है या दूसरों के लिए जीता है या फिर यू नो दूसरों के हिसाब से जीने में बर्बाद कर देता है, बेसिकली मैं उसको बर्बाद करना ही बोलूंगी कि अगर आप दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि सब आपको बताएंगे कि आपकी खुशी कायम है कायम है कायम है, लेकिन आपको ये फाइंड करना है कि मेरी खुशी किसमें है। सो अगर आप अपनी लाइफ का जो बागडोर है वो खुद के हाथों में लेते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में चला सकते हैं, ठीक है। अगर अपनी लव लाइफ में आपने बहुत ज्यादा यू नो पेन देखा है और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्टक रहे हो और बहुत ज्यादा आपने यू नो अपने आप को कम आका है, तो ये लव लाइफ में ही जो आपको लेसन्स मिले हैं यही आपको पावर में लेकर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये नजर आ रही है कि ये जो पावर है ना ये कहीं ना कहीं किसी भी चीज को टक्कर दे सकती है यहाँ पर, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, आपको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा डियर, ठीक है। इस लेवल का स्ट्रांग बदलाव मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ऑल्सो विथ कॉर्नोकॉपी एंड पेशेंस यहाँ पर यू नो यूनिवर्स ने आपके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी करके रखा है आपकी लाइफ का, खुशियों का जो भी आपको चाहिए था अभी तक, अपनी आपकी खुशियों का जो शहर कहते हैं ना कि खुशियों का शहर, वो पूरी तरीके से यूनिवर्स ने आपके लिए सजा कर रखा है, आपके सारे फ्रूटफुल रिजल्ट तैयार है। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पेशेंस है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा पेशेंस और है, ज्यादा नहीं नजर आता, ये बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया है पेशेंस का कार्ड, तो थोड़ा सा और सब्र मांग रहा है। विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था नीचे भी, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जितना डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी मुझे डिवाइन टाइमिंग नजर आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस और ऑल्सो यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन और यिन यांग की एनर्जी ऑलरेडी आप मुझे लगता है कि किसी कनेक्शन में हो डेफिनेटली, ठीक है, वो कनेक्शन भी आपका हील हो रहा है, वो भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, वो भी आपको डिवाइन टाइमिंग पे, जैसे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे इस तरीके से रिजल्ट्स खुल जाएंगे आपके सामने, जैसे कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है, राइट, इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा खुशियां देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब यूनिवर्स देते हैं ना तो फिर गिनती नहीं होती है, ठीक है। और वो आपको ऐसे छोटे छोटे, अगर छोटी छोटी चीजें नहीं दे रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा उन्होंने पेशेंस बनाने के लिए कहा है और बहुत ज्यादा आपको इंतजार करवाया है, तो आप तैयार रहिए, आपको वो सब मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है। आपकी उम्मीदों से तो ज्यादा ही मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पर इसी तरीके से प्लानिंग हो रही है आपके लिए, एक के बाद एक के बाद एक ब्लेसिंग्स खुलेंगी यहाँ पर, देखते जाइए। यहाँ पर ये यान की एनर्जी है, तो आपका जो भी कनेक्शन है वो भी हील हो रहा है, केयरिंग कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, आप ऑलरेडी किसी केयरिंग कनेक्शन में हैं, वो भी हील हो रहा है यहाँ पर, ये यान की एनर्जी है। ऑल्सो वुमेन होल्डिंग अ कार्ड एंड मैजिशियन एंड द मिरर, सो करियर में तो आपकी एक ऐसा पीक पॉइंट आने वाला है आपकी, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है, आपके करियर में भी। क्योंकि नीचे से भी देखिए कौन सा कार्ड है, डोर टू वैल्यू, पैसा ही पैसा, अपना सपना, मनी मनी, ठीक है। तो आप अगर पैसा बहुत मैनिफेस्ट करेंगे ना तो आपकी लाइफ में मतलब मैनिफेस्ट होगा, बहुत जबरदस्त पैसा मैनिफेस्ट होगा। और ये मैनिफेस्ट ऐसा नहीं है गाइस कि आप किसी के उस पे हो, ठीक है, ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, ये जो लेडी है वो खुद पैसा बना रही है अपनी लाइफ में, दम से पैसा बना रही है, और ठीक है। तो मतलब आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इसीलिए इतना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए आपका कर्मा रिलीज करवा रहे हैं, इसीलिए आपको इतना पेन दिया हुआ है ताकि आपका कर्मा रिलीज हो जाए, ताकि आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और आप एक मैजिशियन की ऊर्जा तक जा पाओ, ठीक है। जब आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे तभी आप मैजिशियन बन पाएंगे, और जब आप मैजिशियन बन पाएंगे तब आप वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और उसके लिए आपका कर्मा रिलीज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो आपके ब्लॉकेजेस हील होना बहुत आवश्यक है। सो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, आपका कर्मा हील हो रहा है, सो आप मैजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो और यहाँ पर आप बहुत पैसा कमाने वाले हो, ये आप लोगों के लिए यूनिवर्स की प्लानिंग नजर आ रही है डियर, ठीक है। यहाँ पर ये बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में बड़े बड़े, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आप अगर ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर अगेन मजीशियन का कार्ड है, वाओ अमेजिंग डियर, अमेजिंग। अगेन टू ऑफ कप्स का कार्ड है, आप ऑलरेडी किसी केयरिंग कनेक्शन में हैं डियर, ठीक है, आप पहले से ही हैं या फिर आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस तरीके से फिर से टू ऑफ कप्स से नीचे आया है, ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ कप्स, चैरियट कौन आ रहा है, डेविल, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स। ये डेविल कार्ड यहां पर क्यों आया है, जस्ट प्लीज गाइड कीजिए, ये डेविल यहां पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, स्टार, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सबसे पहले गाइस आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा बदलाव है। और ऑनलाइन अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत लंबी और बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखने मिलने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, या फिर हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत कुछ, ठीक है, क्योंकि आपने अकेलेपन में अपने आप को मैजिशियन बना लिया है, जो भी अकेलापन आपको मिला है उसमें आपने अपने आप को मैजिशियन बना लिया, अपने आप को इस लेवल का तैयार कर लिया है कि आप मैजिशियन की ऊर्जा में हैं, आप एक मैनिफेस्टर की ऊर्जा में हैं, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपकी यूनियन का भी डिवाइन टाइमिंग है, ये भी नेक्स्ट बड़ा बदलाव है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे आपके कनेक्शन में, ठीक है, आपके आपकी लव लाइफ में, वो ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली चैरियट कार्ड के साथ मुझे लगता है एक पावरफुल पोजीशन पर आप बैठने वाले हो, ठीक है। लेकिन नीचे डेविल का कार्ड आया है, और डेविल का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि
जिस तरीके से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने इसको क्लेरिफाई किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने हमेशा बोला है कि एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, जिस गली से निकलेगी वहां दीवाना करेगी। तो इस एनर्जी से अट्रैक्ट होने वाले लोग भी बहुत होते हैं और कुछ उनमें से डेविल भी हो सकते हैं जो शायद आप ना समझ पाओ, ठीक है ना। सो आपको फर्क जानना होगा कि कौन डिवाइन है और कौन डेविल है, राइट। आपको ये चीज समझनी होगी कि कौन डिवाइन है और कौन डेविल है, और डेविल को कट ऑफ करना है आपको हमेशा ही, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑरा बहुत पावरफुल है और ये ऑरा बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है आपकी तरफ, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से काफी सारे लोग इस तैयारी में है, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जीज पावरफुल एनर्जीज हैं और ये कई बार इस तरीके के लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को इमोशनली ड्रेन दिखाते हैं या बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस दिखाते हैं और आप इन लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा यू नो नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं जो जिनको एक्चुअल में आपकी नीड नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने के लिए आपकी तरफ आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज को कट ऑफ करने के लिए आप हमेशा ही डिवाइन से प्रे करें कि आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करते समय कि आप ये रीडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑल्सो आप डिवाइन से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, ताकि इस तरीके के डेविल किस्म के लोग आपकी जिंदगी से दूर ही रहें और आप कुछ डिवाइन एनर्जी से स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकते हैं, ताकि ये एनर्जी आपके ऊपर कोई भी असर ना डालता। बिकॉज चैरियट कार्ड के साथ आप एक पावरफुल पोजीशन में जाने वाले हैं, ठीक है, तो आपके पास हो सकता है कि यू नो आपको कुछ यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ आए, तो आप इनसे प्रोटेक्शन ले सकते हो, यूनिवर्स को प्रे करके आप इन सारे से प्रोटेक्शन ले सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि आप एक प्योर सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, कि आप प्योरिटी में जा रहे हो, और प्योरिटी यानी कि एक लव की एनर्जी में जा रहे हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जा रहे हो, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए, ऐसा मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ भी फ्लावरिंग की एनर्जी है, ओ माय गॉड, बहुत ही पैसा है, ओ भाई पैसा ही पैसा है। ओहो कितने कार्ड सिलेक्ट होते हैं ये वाले, राइटनेस, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, थंडरबोल्ट एंड मोमेंट टू मोमेंट, बर्डन, आउटसाइडर, ट्रैवलिंग एंड साइलेंस, ठीक है। यहां पर गाइज आप लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि मैं आउटसाइडर हूं, मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मुझे अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं, तो यू नो आप मोस्टली अकेले रहे हो और आपने अपने आप को दुनिया से अलग समझा है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा कर्माज अच्छे क्रिएट किए हैं, तो अब आप देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको कैसे रियलाइज करवाते हैं आपके अच्छे कर्मों का फल, वो आपको किस तरीके से देखते हैं, बस आप देखते जाइए, ठीक है ना। आप अपनी सारी बर्डन, अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर उठा रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे आप बर्डन में नजर नहीं आ रहे, पूरी तरीके से खुलकर जीते हुए नजर आ रहे हो। आपकी लाइफ में आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हो, जो कि यू नो इतना ट्रैवल आप करेंगे, इतनी बिजी लाइफ आपकी हो जाएगी कहीं ना कहीं, कि आप यू नो जो भी तूफान आपकी जिंदगी के आए थे अभी तक, वो सारे तूफान आप भूल जाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप खामोश भी हो रहे हो अंदर से, ठीक है ना, खामोशी में आप जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो, इसीलिए बिकॉज आप अंदर से हील हो रहे हो। तो ये एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए नजर आ रही है। ये जो बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी का होने वाला है, ये बहुत ही खूबसूरत बदलाव है, इस एनर्जीज को जरूर से जरूर मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, ओके। एक एंजल की गाइडेंस और देख लें कि कौन आपको ब्लेस कर रहा है, ओके। यहां पर है मैरी मैग्डलीन, एंड राधा, सोल फ्लेम, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे, लो एक मांगे से दो आए हैं। यहां मदर मैरी है और यहां पर शकीना है, ठीक है, और यहाँ क्वानियन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चारों ही एनर्जीज फेमिनिन एनर्जी आई है। मदर मैरी कह रही है लव एंड पीस, प्यार और शांति। मैरी मैग्डलिन कह रही है टीचर अवेकन्स,
ठीक है, और यहाँ पर राधा माँ है सोल फ्लेम, शकीना है सेक्रेट सेल्फ, ये सभी के सब आपसे एक ही चीज बोलना चाहती हैं, जो ये है कि लेट गो ऑफ द नाइट ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, मदर हीलिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है मदर मैरी की तरफ से। मैरी मैग्डलिन भी कह रही है कि आप अवेकन हो चुके हैं, तो अब आपके पास जो भी गिफ्ट हैं उनको शेयर कीजिए, और किसी को भी रोकने मत दीजिए, खुद को अपनी इनर कॉल को सुनिए, ठीक है, और वो कीजिए जो सही है। राधा ये कह रही है आपसे, राधा माँ ये कह रही है कि आपको अपने अंदर को ही पहचानना है, अपने अंदर अपने आप को पहचानना है, आपको खुद से ही कनेक्ट होना है, एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप पहले आपको खुद के साथ बनाना है, और यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं उनको आप एक्सप्रेस कीजिए, शकीन आपसे कह रही है उनको आप एक्सप्रेस कीजिए, बांटिए लोगों में, ओके। सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइज।